नहीं ले सकते हैं। तो ये जो असर जिस तरीके से पानी में असर हो रहा है, उसी तर्ज पर ये कार्बाइड जो है, मेरे हाथ अभी जलने लगे हैं, ये कार्बाइड का ऐसा असर होता है फलों पे, और फल जो है वो 5 से 6 घंटे में ऐसे पक जाते हैं। यानी कि एक फल ये है और एक फल ये है, दोनों कच्चे फल हैं, लेकिन कृत्रिम तरीके से इसे पका हुआ बना दिया है और ये कच्चा है। ये जब चीजें हम चल रहे थे, काफी ज्यादा दुर्गंध है इस वक्त, लेकिन अब एक मार्केट में नई चीज आई है, वो है ये इथेलिन। ये एक ऐसा केमिकल है जो इथेलिन गैस के रूप में बाहर आता है और फल को जल्दी पकाने में मदद करता है। बहुत ही जहर है इसके अंदर, बहुत ही घातक ये केमिकल है, और इसके सैचेट हैं ये चाइना से, देखिए चाइना से बने हुए हैं, चाइना मेड है ये, चाइना भारत में सप्लाई करता है और भारत में इसका करोड़ों डॉलर्स का इसका बहुत बड़ा व्यापार है। ये इस तरीके से टी बैग में आने लगे हैं। अब इसे क्या करते हैं व्यापारी, इसे पानी में इस तरीके से, पानी में इस तरीके से इसे भिगोते हैं और आम के बीच में रख देते हैं, और ये आम जो है वो 6 घंटे में पक के बाहर आ जाएगा। तो ये जो है बहुत ही ज्यादा इस वक्त दुर्गंध है, आप बता नहीं सकता कि कितनी ज्यादा दुर्गंध है, लेकिन थोड़ी देर में आपको आम की खुशबू आने लगेगी, क्योंकि कृत्रिम रूप से इन केमिकल के जरिए जो है वो आम को पका दिया जाता है। अब ये एक तरीका हुआ जो चाइना की तरफ से हो रहा है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है इसके अंदर, बहुत बड़ा नेटवर्क है ये, करोड़ों अरबों रुपए का खेल है ये, लेकिन आपके स्वास्थ्य के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। अब ये देखिए, ये एक दूसरा केमिकल है, कहने को तो इस पे लिखा हुआ है MI ग्रुप ऑन 39, और इसके ऊपर लिखा हुआ है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, यानी कि पौधों को बड़ा करने के लिए, ये बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं ये पेस्टिसाइड है, और ये कह सकते हैं कि ये फ्रूट हार्मोन्स हैं जो डालने से पौधा जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है। लेकिन इसका इस्तेमाल कहां होता है, इसका इस्तेमाल मार्केट में कैसे होता है, उसका डेमो एक मैं आपको बताऊंगा। ये जो केमिकल है उसे इस तरीके से ढक्कन में लिया जाता है, 2 ढक्कन ये बाल्टी में इस तरीके से डाले जाते हैं, ये इस तरीके से। इसके बाद जैसे कि ये केले हैं, ये कच्चे केले हैं, इसे इस बाल्टी में इस तरीके से व्यापारी 2 बार केले डालते हैं, बहुत ही ज्यादा दुर्गंध है, और ये केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है, यहां रखा जाता है, और 5 से 6 घंटे में ये केले जिसकी वेफर बना जा सकती है, अभी इतने कच्चे केले हैं, 5 से 6 घंटे में ये केले बिल्कुल पक जाएंगे, पीले हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये केले हैं, आम है, पपाया है। अब एक पपीता अगर आप बात करेंगे तो पपीता जनरली पेड़ पे पूरी तरीके से पक जाता है और पूरा पकने के बाद उसे बाहर निकाला जाता है, लेकिन ज्यादा मुनाफा करने के लिए, ज्यादा पैसे कमाने के लिए मार्केट में पपाया को भी इसी तरीके से इसमें बाल्टी में डुबोया जाता है, 2 बार इस तरीके से किया जाएगा, सीधा सारा केमिकल का लेप इस बार पपाया पे लग गया है और ये बहुत जल्दी पक जाएगा। स्वाद इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन ये धीमा जहर है जो आपके अंदर जा रहा है। अब क्या करेंगे, कई बार बच्चे हैं बिना ये धोए खा लेते हैं। अंगूर की बात करेंगे, अब अंगूर का सीजन है, अब ये अंगूर जो है वो काफी कच्चे हैं, खट्टे हैं, अंगूर खट्टे हैं, जो हम कहावत में सुनते खट्टे अंगूर हैं, मीठे किस तरीके बनाए, अगर इसको पका दिया जाए तो ये मीठा हो जाएगा। तो इसको इसी तरीके से ऐसे ही केमिकल में इसको पकाया जाता है इस तरीके से और रख दिया जाता है, 2-3 घंटे के बाद अंगूर जो है उसके अंदर रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये अंगूर पके हुए आएंगे, मीठे लगने लगेंगे। तो इस तरीके से ये जहर जो है वो हमारे बीच में है, आपके घर में है। मैं आपको इस दावे के साथ कह सकता हूं, एक अंदाजे के हिसाब से अगर देखा जाए तो 98% फ्रूट्स जो हैं, जो बड़े बड़े मार्केट में है, इसी तरीके से काम किया जा रहा है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं, जैसे गांव में कोई लोग रहते हैं और अपने घर पे कोई फ्रूट उगता है, क्योंकि हर फ्रूट तो नहीं उगता, जैसे आप सबके घर में बगीचे में अंगूर नहीं उग सकते, आप सभी के घर के बाहर आम नहीं उग सकते, आप सबके घर पे केले नहीं उग सकते। तो जहां जहां पे चीजें उग रही हैं, जहां जहां पे चीजें हो रही हैं, वहां से चीजें आती हैं और कहीं ना कहीं केमिकल में, ये देखिए हमने इसके अंदर कार्बाइड डाला था, अभी तक ये उबल रहा है, आप देखिए कितना खतरनाक ये केमिकल है, ये देखिए उबलता, ये देखिए गैस के घोले निकल रहे हैं इस वक्त, इतना जबरदस्त तरीके से ये उबल रहा है। ये पानी में जो ये प्रक्रिया मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूं, वही प्रक्रिया जो है वो फलों के साथ में भी होती है। तो प्लीज आप इसको खास तौर पे ध्यान में लें
और ये रोक नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा नेटवर्क है, करोड़ों रुपए के खेल हैं, प्रशासन कहीं ना कहीं मिला हुआ है, जो आपके हेल्थ ऑफिसर होते हैं वो इससे मिले हुए हैं, प्रशासन के कई लोग इसके साथ मिले हुए हैं, जो टोल माफ विभाग होता है वो इनसे मिले हुए हैं, बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है, तभी जाकर इतने बड़े बड़े लेवल पे ये चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो भारत में आ रहे हैं, ये केमिकल के इस तरीके से चीजें हो रही है और आपके स्वास्थ्य के साथ में बहुत बड़ा एक धोखा हो रहा है। और यही वजह है कि भारत देश में लगातार जो है वो बीमारियों का प्रमाण, अजीबोगरीब बीमारियां आ रही हैं और बीमारियों का प्रमाण इसी तरीके से बढ़ रहा है। अब आप फर्ज कीजिए कि जिस तरीके से केमिकल देखिए किस तरीके से उबल रहा है, अब इसे कोई प्रेग्नेंट महिला इस तरीके के फल खाएगी या कोई मरीज जब इस तरीके के फल खाएगा तो उसके शरीर में ऑलरेडी कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है और ऐसे में इस तरीके के केमिकल उसके ऊपर बहुत ज्यादा